नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है ठाणे शिवसेना का। जी हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस के चार नगर सेवक जो है शिवसेना यानी शिंदे गुट को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये एनसीपी के लिए ही बहुत बड़ा धक्का माना जा रहा है, क्योंकि शिंदे गुट का और जितेंद्र आवाट का काफ़ी घमासान चल रहा है ठाणे शहर में। इसी तर्ज पर हम जो है आज एनालिसिस करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थते जी, और जानेंगे कि क्या राष्ट्रवादी कोई जो फटका है ठाणे में ये शुरुआत हुई है। सर, क्या कहेंगे आप? हरमन जगदाले जो अपने तीन और सेना को लेके जो है उसके साथ में और भी दूसरे सेना लोग को जो है ज्वाइन कर रहे हैं उल्टो गुट में। हनुमंत जगदाले जी, उसका जब पेपर में आया तो मैंने उसको फ़ोन किया जी। तो जैसे ही मेरा नंबर नाम आता ही है, आया उधर से हनुमंत जगदाले, मुझे बोले हनुमंत विरुद्ध श्रीमंत ये अंक निकाल के मुझे अमर करने वाले अनिल थत्ते को मेरा प्रणाम। क्या बात, ऐसा पहला संदर्भ। क्योंकि सर ऐसा है कि वो जब पहली बार चुनाव के लिए खड़े हो गए प्रताप सरनाइक के खिलाफ, तो मैंने एक पेपर निकाला था हनुमंत विरुद्ध श्रीमंत, और प्रतापराव श्रीमंत, प्रताप सरनाइक श्रीमंत तो है ही, तो वो ये निकाला था। और वो सब थाना में इतना, अरे बाप रे, चला चला चला, मतलब 12 पेज का पेपर था। मैंने खुद 25,000 पहले निकाले थे, उसके कहने पे ही निकाले थे। बाद में सर उसने शौक के तौर पे 1,00,000 वो बांटे थे, और थाना में वही चर्चा थी, हनुमंत विरुद्ध श्रीमंत, हनुमंत विरुद्ध श्रीमंत। सर, दैवयोग की बात ये है कि जब हनुमंत जगदाले पहली बार खड़े रहे जी, तो सर वो श्रीमंत नहीं थे, ये श्रीमंत था। प्रताप सरनाइक तब भी बन गया था, मतलब वो वड़ा पाव वगैरह के दिन उसके गुजर गए थे, और वो ऑलरेडी कम से कम एक 500-200 करोड़ का मालिक बन गया था, और वो 200-500 करोड़ में से डालने वाला आदमी है वो, तो मुर्गियों को मतलब मतदाताओं को दाना वेना डालेगा वो, ऐसा उसका ये किया था, मैंने जिक्र किया था, और ये गरीब था। सर, अभी आज की हालत ऐसी है कि हमारे थाना में सर अभी बिल्डर बन जाते हैं नगर सेवक, या तो बड़े ठेकेदार बन जाते हैं, तो बहुत कम, मतलब गिने चुने लोग रहते हैं जिनको वो जो थे वो वही रहते हैं, मतलब स्कूटर के स्कूटर, और ऐसा एक ही माजू मालूम है, बाकी तो सबके पास एक नहीं, 10 नहीं, कितनी गाड़ियाँ आई, कितना ये आया, बंगले आए, प्रॉपर्टी बनी। सर सर, आज अगर वर्तक नगर वो जो एरिया है वहाँ पे आप हनुमंत जगदाले नाम लेंगे और ऊपर देखेंगे तो बोलेंगे ये बिल्डिंग हनुमंत जगदाले, ये बिल्डिंग हनुमंत जगदाले, ये बिल्डिंग हनुमंत जगदाले, ये बन रही है, बहुत बढ़िया बन रही है यार, मेरे को लगता है 30-35 माले की रहेगी, ये किसकी बन रही है? हनुमंत जगदाले। ये सारे प्रोजेक्ट कम से कम मेरे को लगता है 10-20 एकड़ का होगा, ये कौन कर रहा है डेवलप? जगदाले कर रहा है। अभी आज की तारीख में हनुमंत जगदाले, जिसके बारे में मैंने एक बार हनुमंत और श्रीमंत लिखा था, वो आप प्रताप सरनाइक के अगर 1,000 करोड़ है, ज़्यादा ही है, मैं गलती कर बैठा, 5,000 करोड़ होने चाहिए कम से कम, तो ये भी 1,000 करोड़ तक पहुंच गया है सर, मतलब पीछे पीछे दौड़, वो भी श्रीमंत के लिस्ट में आ गए, टॉप 10 ऑफ थाने में वो भी है जी। वो और अभी कैसा है ना कि सर वो जा रहा है किधर? शिंदे गुट। अभी महाराष्ट्र में सत्ता किसकी है? शिंदे गुट की। थाना में अगली महापालिका में सत्ता किसकी होगी? शिंदे गुट की रहेगी, नो डाउट। सर, जिसके आज कम से कम थाना के प्राइम लोकेशन में, नहीं बोले तो कम से कम 75 से 100 एकड़ डेवलपमेंट में जमीन लैंड फंसी हुई है, बहुत अच्छा चल रहा है सर। 75-80-100 एकड़ जमीन जिसकी फंसी है, और कम से कम अभी 2-5 लाख फुट का बांधकाम उसका अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 10-20 लाख का बनाना है। सर, वो सरकार से झगड़ेगा? बिल्कुल नहीं। शिंदे साहब जो थाना के तारणहार है, सब कुछ है,
वो थाना के खाली ब्रह्मदेव नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश वो दत्त मूर्ति में वो सब समाये हुए थे तो नहीं दत्ता ब्रह्मा विष्णु महेश। आज की तारीख में मत सर एकनाथ शिंदे तो ब्रह्मा विष्णु महेश मिलके वो जो दत्ता अवतार होता है वो दत्ता अवतार है थाना के। मतलब सेंट्रल से ईडी का डर है तो यहाँ से सरकार का डर है? नहीं, वो ईडी का डर ऐसा है कि वो अभी सर जरा कम हो गया, अभी इनकम टैक्स का थोड़ा चलता है, अभी इंटरनल चालू हो गया इन लोग। हाँ यहाँ पे सर, मगर ऐसे बड़े बिल्डर को पंगा लेके धंधा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मतलब उन्होंने बहुत सही निर्णय लिया है आप मानते हैं बिजनेस के हिसाब से? हाँ सर, ये बिजनेस है सर, कॉरपोरेशन क्या बिजनेस ही है? अभी कॉरपोरेशन के अध्ययन से हुआ है, आप मानते हैं? बिल्कुल है आपको किधर? बिल्कुल तो जनसभा नहीं है, ये बिजनेस है। तो हनुमान जगदाड़े का जाना उधर कोई मेरे को आश्चर्य नहीं लगा, इतने दिन वो वहाँ रहे, वहाँ जितेंद्र की सत्ता थी, महाआघाड़ी की सत्ता थी, राष्ट्रवादी की सत्ता थी और वो राष्ट्रवादी में थे, कांग्रेस एनसीपी की सत्ता थी 3 बार। हाँ उसी में फले फूले ना। हाँ वो फले फूले उसी उन्हीं के उसमें। और दूसरी ऐसे कि उनके जो सहकारी थे अशोक रावड़ वगैरह वो तो कब के बीजेपी में जा चुके, क्योंकि उनको जीतने लायक भी कुछ नहीं था, हारने लायक भी कुछ नहीं था, मगर रहने का जिंदगी जीने का सवाल था उनका। तो स्वीकृत नगर सेवक वो भी बेचारा का चला गया हमारे अशोक रावड़ का, मगर ठीक है, मगर उनको एक शगुन था कि मैं सत्ता के साथ हूँ। सर कुछ लोगों को ये शगुन भी अच्छा देता है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला नाचता है ना, तो लोग उसका नाच भी देखते हैं। तो ऐसे बीजेपी में अभी अब्दुल्ला दीवाना बहुत नाच रहे हैं, तो उनमें से थाना में भी बहुत है सारे हैं, तो अभी उनके साथ और जा रहे हैं जी। सर सबका मकसद ये है कि फिर से चुन के आना है। सर अभी जितेंद्र जगह अभी से बनाएंगे नहीं तो आगे जितेंद्र का थाना सिटी के अंदर कुछ चलेगा नहीं, जितेंद्र के पार्टी के ओर से। सर जितेंद्र का थाने सिटी का लीडर कौन है? कौन है? कोई नहीं सर, आनंद परांस पे। सर आप हंस पड़े, मैं तो हा ऐसा करूँगा, वो आनंद परांस पे का नाम सुन के ऐसा, वो तो आदमी है भाई। जितेंद्र आवा ने उसको इसके लिए लिखा है कि एक बार उसने मेरे घर के ऊपर मोर्चा निकाला था, मालूम जी, मालूम मेरे। मैं उसको बोला गुड़ाचा गणपति है, मोर्चा निकालने आया। अभी उसकी ट्रेजेडी देखो, इसलिए मैं आशा आपने जब नहीं आपने वो, नाम दिया। वो वहाँ से यहाँ पहुँचने के पहले जितेंद्र कमिश्नर और एसीपी डीसीपी सबको फोन करके बोला भाई थत्ते साहब के घर पहले आप जाओ, वो आनंद परांस पे मोर्चा लेके जाए, पहले उसको उठाओ और साहब को बोलो नीचे नहीं आने का। बोले उनको जरा भी कोई तकलीफ हुआ ये इसके गाड़ों के मोर्चे के वजह से, तो मैं बोला आपको जिम्मेदार मैं पकड़ूंगा, आपको नहीं करना है कुछ उसको, सब जानता हूँ। तो सर ये तो आनंद परांस पे इनके शहर का अध्यक्ष है, पर सर क्या है ना कि आनंद परांस पे क्यों क्यों बनाए जितेंद्र को, क्यों उसको कोई टक्कर नहीं दे, शह नहीं दे, वट जी बस जी ऐसा आदमी चाहिए था वो, उसके लिए आनंद से बेहतर नहीं है वो, तो वैसा ही है। सर वो गया कौन शिवसेना से, उसका पागल तो देखो, पिताजी की विरासत में उसको खासदार की मिली डेढ़ बार। सर मैंने एक बार उसको पूछा कि अरे तू इकड़ून तिकड़े का गेला, साहब एक डील मध्ये मला 35 लाख रुपये यांनी दिले ने एकनाथ शिंदे ने, म्हणून मी राष्ट्रपती या राष्ट्रवादीत गेलो। 35 लाख एडिया ऐसे बोला, एडिया पूरा 35 करोड़ तेरे को मिलता था, तू रहता था पार्टी उधर और इधर, उस समय तो वो भी थी। बोला नहीं मारा गुस्सा आला, मैं गुस्सा दिल मटला आता पछतावतो है, ये भी वो बोला। सर वो ऐसा सीधा आदमी है, सीधा ये भाबड़ा बच्चा है, उसको मैं गुड़ा का गणपति बोला वगैरह वो ठीक है, मगर वो एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा बेवकूफ़ सा ऐसा अच्छा लड़का है, तो ऐसा कोई बेवकूफ़ होना चाहिए करके अध्यक्ष बना के रखा है। जितेंद्र भी शाना है ना, उसको बेड़ा ही लगता है भाई, अगर बैठा दिया तो उसने अगर नजीब मुल्ला को ताकत दी तो आप नजीब मुल्ला का वो मुल्ला उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है, भारी पड़ रहा है। सर ये पॉलिटिशियन की भी ये ट्रेजेडी होती है जी। अच्छे कार्यकर्ताओं को चांस दिया तो पहले वो उसकी बैंड बजाता है, और नहीं दिया तो मेरे जैसे लोग बोलते थे ऐसे आदमी को बिठाया, उनकी भी ट्रेजेडी होती है। तो
कैसे है तो सर, अब सवाल ये है जितेंद्र आवाज छूट गई, जितेंद्र आवाज को कितना सेटबैक है ये, और आने वाला सेटबैक कितना बड़ा है? सर सेटबैक है ही नहीं। अच्छा सेटबैक है ही नहीं। ये देखो ये चार जो लोग हैं उसमें से ये है अपना तुम्हारा हनुमान जगदा है, ये तो खुद के बल पे चुन के आता है जी। हाँ वो चुन के आता था, वो इसकी वजह से नहीं है, वो अपनी वजह से है, और उसका इंटरेस्ट बिजनेस का ये संभाल नहीं सकता था, ये संभालेगा अपोजिशन में? भाई इसकी बैंड बजाने लिए एकनाथ शिंदे, वो तो गुने बिने क्या क्या दाखिल कर रहा है, और भी बहुत सारे चक्र घूमने वाले हैं, और देखो थोड़े दिन में। तो ये चार जो हैं वो है नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं चाहिए। संभालना है कलवा मुमरा, कलवा मुमरा में अभी मेरे ख्याल से तीन लोग रहेंगे उसके साथ, सिर्फ तीन नगर से वो बस सब जाएंगे, बाकी सब रीजन यही डेवलपमेंट है, प्रोटेक्शन है। सर कैसे हैं जी कि आप बलवान हैं, आपकी छत्रछाया में घुस जाऊँ? वो ये रहती है ना अपनी कुमड़ी को क्या बोलते हैं आप हिंदी में? मुर्गी सर, मुर्गी कैसे ऐसे पंख फैलाती है, सब बच्चे आ जाते हैं उसके नीचे, फिर वो ऐसे ऐसे करके उनको छुपा लेती है। से अपने एकनाथ शिंदे वो भूमिका में है मुर्गी, ये नगर से उगाओ, ये नगर आओ मेरे पंख के नीचे, सुरक्षित रहो, कोई कौवा आएगा नहीं, कोई घार नहीं आएगी, कोई गिदड़ नहीं आएगा, मेरे इसमें सुरक्षित रहो, ईडी का गिदड़ नहीं आएगा, इसका इनकम टैक्स का कौवा नहीं आएगा अंदर, क्यों उनको ये करते तकलीफ है, सुरक्षित कवच में। हाँ और दूसरा ऐसा है ना सर, नगर सेवक बनने वालों में से सब नहीं बोलते हम लोग, हमेशा 99% अपना रिवाज है बोलने का, सर वो कुछ ना कुछ लेने के लिए पाने के लिए आते, वो खोने के लिए आते क्या? अभी कैसे है ना कि जितेंद्र के साथ रहना मतलब चुनाव में तो ताकत लगाएंगे एकनाथ शिंदे। सर मेरा अंदाजा ऐसा है कि थाना में कितना सीट है टोटल इसका विधानसभा? नहीं महापालिका के 132 है कुछ सर, चलो जो भी समझो दोस्तों 132, गलत होगा सही होगा, सर 132 में से 100 जगह लेके जाएंगे एकनाथ शिंदे, 32 में सब लोग 32 में सब बाकी बिठाना है, उसमें अपक्ष रहेंगे वो भी बोलेंगे हम आपके साथ हैं। तो अभी कैसे है ना कि जितेंद्र के ही भी जाने वाले ही है जी, मेरी जितेंद्र से बात हुई, वो बोले कि जिनकी निष्ठा है वो रहे, नहीं है वो जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। और कैसे है ना कि आखिर में जितेंद्र को कॉरपोरेशन में हिस्सा तो नहीं मिलने वाला, अभी पहले वो दोनों मिलकर बैठ के आपस में बांट के खाते थे, बहुत अच्छा चल रहा था सर, ये जोड़ी थी राम लखन की जी, दोनों राम खाए लखन खाए दोनों मिलकर मजा करे, ऊपर से माफी का गाड़ी भी आ गई थी। हाँ तो उनको और भी मजा आ गया। तो अभी ऐसा है कि इसको अपने जितेंद्र को चिंता सिर्फ उसके आमदार की है, बाकी क्या लगता है आमदार की इतना अगर खोखला अगर हो जाएंगे तो आमदार की में कुछ फर्क तो पड़ेगा? जितेंद्र जीतेगा, उसके सामने नजीबुल्ला खड़ा करो, किसी को भी खड़ा करो, वहाँ की जो लोकल पब्लिक है जी वो अपनी आंखों से वहाँ का विकास देखती है, और सरकार बदली है तो ना, फिर नगर से जो नगर से जाएंगे उनका तो नुकसान हो जाएगा, फिर उनका क्यों नुकसान होगा, उनका भी विकास हो जाएगा ना। अच्छा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप भी खाए पिए और मैं भी खाया पिया हूँ, ऐसा है कि नहीं, ऐसा थोड़ा है कि आप खाए तो मैं भूखा रहूँगा। एकनाथ शिंदे है, वो एकनाथ शिंदे का जो हाथ है वो ऐसा रहता है, सबको पानी पिलाते रहते हैं, तो वो इनको भी पानी पिलाएंगे। क्या देखो इनमें झगड़ा हुआ था एक बार, ये नजीबुल्ला और एकनाथ शिंदे अपना ये तुम्हारा जितेंद्र, इनका झगड़ा हुआ था, मेरे घर में मांडवी हुई। क्या हुआ था कि जितेंद्र ने ठेकेदारों को क्या बोला कि भाई जो पैसा होगा कमीशन का वो मेरे को ला के देना, मैं आमदार इनको नगर सेवकों को दूंगा जी। और पहले क्या था, नगर सेवक को डायरेक्ट मिलता था, तो नगर सेवक सब बाबाजी पाटिल से लेके ये नजीब मुल्ला सब सब भड़क गए, बोले तुम्हारे हाथ से क्यों लें हम, कट जाएगा सर। हाँ आप कितना काटेंगे, आप आपकी मर्जी के ऊपर क्यों, हम हमारे सर बगावत के तौर पे थे। तब मैंने थोड़ा मालूम किया, एक आमदार मुझे नगर सेवक मुझे बोले कि आप दोनों के दोस्त हैं, तो ज़रा थोड़ा तो मैंने जितेंद्र को बोला कि भाई उनका जो हिस्सा है ठेकेदार देता है उनको, वो देने दो ना,
तुम्हारा हिस्सा तुम ले लो और तुम और शिंदे साहब ऊपर के लेवल पे करते हो, ये इनके इसमें लेके क्यों देने का लफड़ा रखते हो, ऐसा मत करो, उनको लेने दो जो। तो फिर वो मांडोली मेरे घर में ऐसी हुई कि भाई नगर सेवक जो है वो ठेकेदार से डायरेक्टली ले लेंगे और ये जो है तुम्हारे ऊपर वाले वो ऊपर का अलग से करेंगे, मतलब ठेकेदार भी इनका हिसाब करेगा उनको दे देगा, इनका हिसाब करके उनको दे देगा। सर ये तो ये झगड़ा क्या है सर, सत्ता तो व्यवसाय है ही सर, ये सब बोलने की बातें इनकी, ऐसा कुछ नहीं है। और एकनाथ शिंदे जो ताकत लगाएंगे ना सर, जितेंद्र की मर्यादा है, हाँ वो समझो अभी 22 लोगों को उसने चुन के लाया, 34 है समझो, 34 को लाने के लिए अभी कम से कम 150 करोड़ की ज़रूरत है। कितने? 150 करोड़। अगर 30 भी लाने जी, हाँ तो 5 × 3 = 15, 5-5 करोड़ लगेगा अभी सर। इस बार 1 करोड़ 2 करोड़ में थाना में इलेक्शन होने वाला नहीं है, वोट का भाव सर 5000 नहीं रहेगा, पैसे की बारिश है सर, 5000 भाव नहीं रहेगा दोस्तों, मतदाताओं ध्यान में रखो, कोई आके आपको 1000-5000 की बात करता है तो उसको बोला है तो थाना में रहता है और 5000 की बात करता है, छत थक थक हमारे यहाँ अभी 10000 का रेट चल रहा है, चलेगा ही सर यहाँ पे अभी 10000 वोट के पीछे, घर में 5 आदमी है तो 50000 ऐसा ऐसा चलने वाला है। तो जितेंद्र की वो ताकत नहीं है तो ये लोगों को, और ये अभी नगर सेवक जो है अपना पैसा खर्चा करते हैं, ऊपर से भी उनको लगता है, ऊपर का भी पैसा लेते हैं, ये करते हैं। तो अभी ये चुनाव जो है थाना का, उसमें इन नगर सेवकों को फिर से चुन के आना है। और कैसे है ना, इनके टिकट काटता था जितेंद्र, जिनके डाउट थे ना उनके टिकट काटता था, अभी ये जो भाग रहे हैं ना ये सब 4-5 जो हैं उसमें से ये 4 और वो 22 समझो, सब ऑलमोस्ट सब जाने वाले, 3 छोड़ के सर, उनके में से आधे लोगों के टिकट जितेंद्र इसमें दुश्मनी है उसकी, 5-10 साल से हुई है, हाथ लगी है, काटता था, अभी कैसे उनका टिकट इंश्योर हो गया कि भाई तू हमारे पार्टी में आ गया, टिकट तो फाइनल नहीं तो वहाँ के लिए शिवसेना टिकट ढूंढना पड़ता था। हाँ नहीं ढूंढना पड़ता सर, एक मांगो 100 मिलते थे, अभी शिंदे साहब का स्वभाव इतना उदार है और इतना ये है, बोलेंगे बैठ जा खड़ा हो जा तू, बाकी मैं देख लेता हूँ, वो उनका स्टाइल है, तो वो नहीं बात थी। उम्मीदवार मिल जाते हैं सर, सर उम्मीदवारों को भी फायदा होता है। मेरा एक दोस्त है, वो अपक्ष खड़ा होता है और बाद में माघार लेता है, माघार लेने का 10-10, 20-20 लाख रुपया लेता है। दूसरा एक दोस्त है, वो चुनाव में अपनी जाति के वोट वगैरह मांगता है और पार्टी से पैसा लेता है, और पार्टी से लिया हुआ पैसा दबा के रखता है, किधर प्रचार बीच में नहीं करता है, वो तो अरे थोड़ा प्रचार तो कर, वो बोला नहीं नहीं वो पर्चे बांटे बस हो गए, वो बाकी सब दबा। ये लोकसभा में करते हैं, लोकसभा में भी करने वाले लोग हैं ऐसे। तो 3 बातें हम बोलेंगे जी, एक तो हनुमान जगदाड़े का जाना अपरिहार्य था क्योंकि वो बड़ा बिल्डर है और उसको कलका प्रताप सरनाईक ही बनना है जी। वो अगर बनना है तो उसको प्रताप सरनाईक ने तो सर लेटर लिखा था कि भाजपा के साथ एडजस्टमेंट कर लो तभी हम बचेंगे, नहीं तो हमारा धंधा पानी चौपट हो जाएगा, ऐसा पत्र लिखा हैरान हो गए लोग बोले ये क्यों पत्र लिख रहा है कि बीजेपी में चल रहा, नहीं तो अपनी हालत खराब होगी। मगर अभी डेयरिंग है सर, लोगों का डेयरिंग मानना पड़ेगा, अभी आप लोग खुला हम बोलते हैं और वो सच साबित हुई, सच साबित हुई, वो भी बच गया, उसका भी ईडी बीडी खत्म हो गया, ईडी कब बीडी हो गया। तो सर ऐसा है कि जितेंद्र है ना वो राष्ट्रवादी से निष्ठा रखता है, तुम्हारे शरद पवार से निष्ठा रखता है और उसको आमदार की देह है, वो लड़ेगा और जीत के भी आएगा अपने बलबूते पर, लेकिन टप तो रहेगा थोड़ा सर, जब जिस तरह से वो एक तरफा जो होता था वो बहुत था, टप तो होगा, टप तो बहुत रहेगा मगर वो जीतेगा। और एक राष्ट्रवादी के लिए नगर से वो खाली हो जाएंगे सर, राष्ट्रवादी का अवस्था कांग्रेस से बदतर हो जाएगी, वहाँ थाना में कांग्रेस की अवस्था है ना उससे बदतर, मतलब अभी कांग्रेस के भी जाने वाले एक ही सीट थी, अरे कांग्रेस के भी लोग जो नेता कार्यकर्ता वगैरह है ना वो भी जाने वाले, उनकी चर्चा हो गई है, तब अभी नाम लूँगा तो हालत ख़राब होगी इनका। तुम्हारे वागड़ी स्टेट में श्रीनगर में एक नेता है, उसके घर बैठक हुई वहाँ पे, तो क्या लगता थाना में सिर्फ बीजेपी और शिंदे गुट रहेंगे? सर असल में मज़ा तब आएगा कि ये सब बीजेपी के लोग जो अभी घनचक्कर लगा रहे हैं संजय केकर से लेके सब शिंदे के खिलाफ, शिंदे को चाहिए कि थाना छोड़ के महाराष्ट्र में, क्या है ना उनकी भी मजबूरी ऐसी है ना कि बाहर जगह उनको एडजस्टमेंट करना है,
बीजेपी के साथ, तो थाना जो उनका गढ़ है वहाँ पे उनको ना दी है तो वो फिर महाराष्ट्र में चर्चा नहीं होगी उनकी आपस में। तो मेरे ख्याल से सर उन्होंने अभी तो ऑफर ऐसे दी है बीजेपी को, इसलिए बीजेपी वाले परेशान हैं कि मैं थाना में 25% सीट दूँगा अलायंस करके। अलायंस करो मेरे साथ, 25% सीट मिलेगी, आपकी ताकत उतनी है। 50-50 तो नहीं मिलेगी, छोड़ो 25। मेरे को बीजेपी का कल लीडर, कल दोपहर को चाय पी मैंने एक बीजेपी के लीडर के साथ, थाना के नाम नहीं लूँगा क्योंकि बात जो बता रहा हूँ वो ऑफ द रिकॉर्ड है। उसने बोला हम 33% भी मिले तो सम्मान खुश है। तो आगे चल के बीजेपी की इसकी करनी पड़ेगी, शिंदे भी नहीं चाहते, ही हेट्स थाना के जो शिवसेना बीजेपी के लीडर है ना, वह ऐसा उसको तकलीफ देते हैं शिंदे साहब को। वो महापालिका के खिलाफ जब वो भी बोलते हैं वो शिंदे साहब के खिलाफ बोलना होता है बिल्कुल। अभी वो कमिश्नर के खिलाफ बोले, करप्शन का आरोप लगा रहे, करप्शन का आरोप लगा। मैं आदमी किसका है थाना में, तुम जिसके भी खिलाफ बोल रहे हो बीजेपी वाले, वो आदमी है किसका? वो है एकनाथ जी शिंदे का। तो तुम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली उनके खिलाफ बगावत, अपनी सरकार के खिलाफ, सरकार छोड़ो एकनाथ शिंदे के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। अभी एकनाथ शिंदे भी पहुंचे हुए आदमी है, वो सर है ना एक एक के पीछे एक एक बीजेपी वाला लगा देंगे कि जो बीजेपी का एस्पिरेंट है ना उसके पीछे दूसरे को बोलेंगे तू कोशिश कर मैं ऊपर बात करता हूँ, होने वाला है बहुत। अब तो सब बातें ऊपर से होती है। हाँ तो और फडणवीस उसके साथ है, वो बोलेंगे कि एकनाथ जी थाने से तुम्ही ठहरवा, माझी तिकीट पण तुम्ही ठहरवा। हो चर्चा है सर, चर्चा है, नहीं होगा मगर कुछ हद तक होगा, चर्चा है सर। और बीजेपी में जिसने इनके खिलाफ मुंह खोला है एकनाथ जी के, वो सब बर्बाद होंगे, बीजेपी में होंगे तो भी, तो बाकी की क्या बात है। धन्यवाद सर। धन्यवाद हते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि जो आज थाने में जो हो रहा है, शिंदे गुट में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के कुछ लोग, हनुमान जगदाले सहित कुछ नगर सेवक, कुछ पदाधिकारी जो है शामिल हो रहे हैं, और खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऊपर जो है एक बड़ी मुसीबत की तरफ देखा जा रहा है, और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आप क्या मानते हैं इस वीडियो पर? आपने भी सुना होगा हमारे कमेंट्स, हमारे एनालिसिस को, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा जो रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हम आपको जो है हर राजनीतिक पहलू के जो पीछे पर्दे कहानी है आपको हम अभी एक ही बात मैं बताऊंगा कि अभी मुद्दा भारत का अलग चैनल पे आता है और अनिल थत्ते गगन भी अलग चैनल पे आता है। दोनों में पहले हम इसमें ये डालते थे, वो भी बंद हुआ है। तो मुद्दा चैनल गगन बेदी मराठी चैनल का भी मुद्दा भारत का अलग से सब्सक्राइब, मुद्दा भारत का हिंदी में, गगन बेदी मराठी में, आप जो सब्सक्राइब कीजिए अलग और देखते रहिए हमारे साथ। और भी एक बात बतानी थी, पिछले 2-3 दिन से मेरी तबीयत बहुत ख़राब था, हॉस्पिटल में एडमिट था मैं। आज अभी मैं हॉस्पिटल से आया हूं और आने के बाद एक 10 मिनट के अंदर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, मराठी वीडियो कल से बनाऊंगा मैं। और सती जी को हम जो है काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं कि जरा भी टाइम मिलता है तो हमको अपना समय देते हैं, अपनी तबीयत के ऊपर ध्यान देते हैं से आया और आपके पास हमारे चैनल ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप भी जो है तते जी को जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसकी प्रार्थना कीजिए और देखते रहिए चैनल हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।